अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको लेमन पेपर चिकन की रेसिपी देने लगी हूँ, जो कि बहुत आसानी से और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और बनती भी बहुत मज़े की है। अच्छा, ये मैंने 1 kg चिकन ले लिया था, ठीक है। अब इसमें मैं इसकी मैरिनेशन करेंगे हम। 1 teaspoon में इसमें नमक का शामिल कर दूँगी। ये लेमन जूस है, 3 tablespoon ये शामिल कर देंगे इसमें। ये 2 से 3 अदद हरी मिर्ची हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया था, ये भी इसमें शामिल कर दें। 1 teaspoon ये काली मिर्चों का पाउडर है, ये शामिल कर दें। 1 cup ये दही है, ये शामिल कर दें। अब अच्छे तरीके से आप चिकन को मिक्स कर दें, ठीक है। मिक्स करने के हम इसको फौरन बाद भी कुक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कोई 10 मिनट के लिए रख दूंगी, ठीक है, ताकि इसके अंदर अच्छे तरीके से ये नमक और ये मिर्चें और ये ग्रीन चिली का फ्लेवर मिक्स हो जाए, ठीक है। इतने में ये होगा कि मैं प्याज वगैरह चॉप कर लेती हूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। ये देखें, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए स्टे दे रही हूँ चिकन को। कढ़ाई मैंने चला ली है चूल्हे पे 1/2 cup के करीब। अब मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूंगी। ये देखें, ये साबुत गरम मसाले हैं, जिसमें ये तकरीबन 1 teaspoon के करीब ज़ीरा है, 5-6 लौंग है, 2 cinnamon के टुकड़े हैं, और ये 1/2 teaspoon साबुत काली मिर्च है, ठीक है। इसको मैं ऑयल में शामिल कर दूंगी और इसकी खुशबू आने तक मैं इसको रोस्ट कर लूँगी, ठीक है, फ्राई कर लूँगी ऑयल के अंदर। ये मैंने प्याज ले लिए थे 3 medium size के, जिनको मैंने चॉप कर लिया था, इस टाइम पे आके ये शामिल कर देंगे और इसको मैं गुलाबी होने तक फ्राई करूंगी, ठीक है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें 2 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब ये मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरीके से हमने इसे मिक्स कर देना है। नमक और मसाला वगैरह तो इसमें पहले से ही शामिल था, ठीक है। ये देखें, अब हमने चिकन को तब तक इसे कवर करके पकाना है जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता, अच्छी तरीके से पक नहीं जाता, ठीक है। अब मैं इसे कवर करने लगी हूँ। ये देखिए, चिकन हमारा गल चुका है इस टाइम पे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे लेमन जूस, 2 tablespoon लेमन जूस का शामिल कर दें। 1/2 teaspoon के करीब इसमें काली मिर्चें शामिल कर दें। ये कुछ हरी मिर्चें हैं और ये लेमन के स्लाइसेस हैं, ये सब शामिल कर दें। अब इसकी आप भुनाई कर लें, ठीक है। ये देखें, इसकी भुनाई हो चुकी है, ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब इस टाइम पे मैं इसमें हरा धनिया डाल के, ये देखें, हरा धनिया डाल दूंगी और इसको दम लगा देंगे, ठीक है। ये देखें जी, दम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ कढ़ाई। ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक है, ये इस तरीके से बन रही है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, तैयार है हमारी लेमन पेपर चिकन की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। कमेंट लाजमी कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।